फाइनल मैच में टीम इंडिया का लचर प्रदर्शन। टॉस जीतकर कंगारुओं ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद टीम इंडिया के एक के बाद एक बल्लेबाज ढेर होते चले गए और 240 रन बनाकर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। उम्मीद थी टीम इंडिया के गेंदबाजों से, क्या पता बुमराह कोई कमाल कर दे, मोहम्मद शमी, सिराज, कोई तो कमाल कर पाता, लेकिन गेंदबाजों ने भी निराश किया। बल्लेबाजों के बाद गेंदबाज भी फेल हो गए। पहले पिच को लेकर कहा गया कि पिच बहुत ड्राई थी, इसीलिए शुरुआत में ही टीम इंडिया को पिच की कीमत चुकानी पड़ी, उन्हें साथ नहीं मिला पिच की ओर से। लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को भी टीम इंडिया के गेंदबाज मुसीबत में डाल पाएंगे क्योंकि पिच ड्राई है, लेकिन यहां शुरुआती झटकों के बाद डटकर खेले ट्रेविस हेड और सेंचुरी मारी और अब अपनी टीम को जीत की दहलीज तक ले आए हैं ट्रेविस हेड। टीम इंडिया का डिसअपॉइंटिंग प्रदर्शन, लेकिन कंगारुओं ने बेहद सदीव रणनीति के साथ प्रदर्शन किया और इस मैच में पहला विकेट लेने के साथ ही यह साफ हो गया कि कंगारुओं की स्ट्रैटेजी टीम इंडिया के हर एक प्लेयर के लिए अलग अलग तरह की रही। तो बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी नाकाम किया और यहां जहां स्टेडियम का हर छोर टीम इंडिया को चीयर करने के लिए भरा हुआ था, आवाजें आ रही थी, लेकिन शुरुआत से ही टीम इंडिया के बल्लेबाज निराश करते रहे और अब छठी बार वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी उठाने जा रही है टीम ऑस्ट्रेलिया। सदीवी रणनीति के साथ टीम ऑस्ट्रेलिया ने काम किया, हर एक प्लेयर के लिए उनकी स्ट्रैटेजी अलग थी और फील्डिंग का जितना भी उनकी तारीफ की जाए उनकी फील्डिंग की वो उतनी कम होगी। सदी भी फील्डिंग शुरुआत से ही टीम ऑस्ट्रेलिया की ओर से यहां पर देखने को मिली। ।2003 में भी टीम इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथ हारी थी और अब 2023 में ये कप टीम ऑस्ट्रेलिया छीन ले जाएगी टीम इंडिया के मुंह से उसके होम ग्राउंड में भारत में यह मुकाबला फाइनल का और उसके बावजूद टीम इंडिया हार से दूर। तो वासु चौरे भोपाल से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, जो उम्मीद थी कि हम जिस हौसले के साथ जिस खुशी के साथ बातचीत करेंगे वो उम्मीद चकनाचूर हो चुकी है। हाँ बिल्कुल अपर्णा, देखिए हम लोगों ने प्लानिंग यही की थी कि जीत की तस्वीरें आएंगी, जीत का जश्न बनेगा और ना सिर्फ अहमदाबाद रोकेंगे आपको, छठी बार बन गया है वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, फाइनल में टीम इंडिया के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। विश्व कप जीतने का सपना चकनाचूर हुआ कैप्टन रोहित शर्मा का, विराट कोहली का। उम्मीद की जा रही थी कि जो टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन थ्रू आउट द सीरीज करती आ रही है वो फाइनल में एक बार फिर कमाल दिखाएगी, लेकिन 20 साल बाद जो ये मौका टीम इंडिया के हाथ आया था वो गवा दिया, या कहे कि छीन लिया ऑस्ट्रेलिया ने और ट्रेविस हेड ने शानदार सेंचुरी लगाते हुए अपनी टीम को ये जीत दिलाई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया है। छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया उठाने जा रही है, वर्ल्ड कप में जीत हासिल की है, विश्व कप जीतने का सपना टीम इंडिया का चकनाचूर हो गया। तो पहले बल्लेबाजों ने फिर गेंदबाजों ने निराश किया और भारत ने दिया था 241 रन का लक्ष्य, लेकिन जिस लक्ष्य को बनाने में टीम इंडिया को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था उस लक्ष्य को आसानी से कहे कि टीम ऑस्ट्रेलिया ने हासिल कर लिया। फाइनल में टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन है, ऑस्ट्रेलिया का शानदार प्रदर्शन, छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बना है ऑस्ट्रेलिया। वासु हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, एक सपना था कि वो पूरा हो जाएगा, आज भारत अपने ही ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को हराएगा और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगा। बिल्कुल अपर्णा, देखिए कहीं ना कहीं
पूरे देश में ये उम्मीद थी कि जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया था शुरू से लेके फाइनल मुकाबले तक, भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारी। सेमीफाइनल में भी हमने न्यूजीलैंड, जो कि एक मोस्ट सबसे प्रबल दावेदार जो है वो मानी जा रही थी इस वर्ल्ड कप की फाइनल में पहुंचने वाली टीम, उसको भी हमने बहुत बुरी तरह से हराया था। 397 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य हमने वहाँ पर खड़ा किया था, लेकिन फाइनल में आते आते भारतीय टीम जिस तरीके से आज दिन भर भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाई। हालांकि शुरुआत रोहित शर्मा ने अच्छी देने की कोशिश की, 47 रन उन्होंने तेजी से किए, लेकिन उनको उनके पार्टनर शुभमन गिल का वहां पे साथ नहीं मिला। उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने जरूर कुछ हद तक भारतीय पारी को संभाला और यही वजह रही कि एक सम्मानजनक स्कोर तक, 240 रन के स्कोर तक भारतीय टीम वहां पर पहुंच पाई। लेकिन अगर आप कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल को अगर वहां से हटा देते हैं तो कोई भी बल्लेबाज जो है वो बेहतर नहीं कर पाया, चाहे वो शुभमन गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा उम्मीद थी, सूर्य कुमार यादव, पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला खामोश रहा। जडेजा के पास आज मौका था, उनको जिस ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जाना जाता है कि वो कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, आखिरी के ओवर्स में टीम इंडिया के लिए तेजी से रन बटोर लेंगे, लेकिन जडेजा भी वहाँ पे कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार करने में नाकामयाब पूरी तरह से नजर आए। और जडेजा के बाद वहाँ से जो बॉलर्स थे वो बैटिंग करने आए और उन्होंने भी कोई खास कमाल वहाँ पर नहीं करके दिखाया और जैसे तैसे इंडिया 240 रन महज बना सकी। स्लो ट्रैक था, स्लो विकेट था, ये माना जा रहा था कि सेकेंड इनिंग में जब इंडिया बॉलिंग करेगी तो इंडिया को भी खासा जो है वहाँ पर मदद मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। शुरुआत इंडिया ने अच्छी की, हालांकि पहली गेंद पर जिस तरीके की तस्वीर सामने आई थी, एक कैच जो है वो स्लिप की तरफ उठा था और वहां पे विराट कोहली और केएल राहुल वहां पे खड़े हुए थे, कुछ कम्युनिकेशन गैप या अटेंशन उतना नहीं हो पाया और वो कैच पहला ड्रॉप हुआ और वो चौका वहां पे चला गया। उसके बाद लगातार भारतीय गेंदबाजों ने कोशिश जरूर की कि मैच में वापस पकड़ बनाई जाए, लेकिन और बहुत हद तक कामयाब भी। यू लूज द कैच, यू लूज द मैच। और जिस फील्डिंग की हम बात यहां पर कर रहे हैं, भले ही पिच ड्राई थी, स्लो बॉल यहां पर मूव हो रही थी, लेकिन उसी पिच पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने बहुत सधी हुई बल्लेबाजी की। और यहां पर कहना होगा रोहित शर्मा की ओर से शॉट्स तो मारे गए, लेकिन जिस शॉट पर वो आउट हुए वो काफी रेकलेस शॉट था, अगर वो टिकते तो शायद तफसीर कुछ और होती। निश्चित तौर पर अपना, और हम लोग वही डिस्कशन भी कर रहे थे, 47 रन पर 3 विकेट, वहाँ पे इंडिया के पास एक मोमेंटम था मैच को बचाने का, लेकिन 3 विकेट के बाद अगला विकेट जब तक गिरा जब तक मैच पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। आपने बिल्कुल ठीक कहा, रोहित शर्मा से उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके का शॉट खेलकर आउट होंगे उस ओवर में, और उससे पहले के ओवर्स में ऑलरेडी अच्छी बाउंड्रीज आ चुकी थी और एक मोमेंटम कहीं ना कहीं टीम इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया था, क्रिएट हो गया था। रोहित शर्मा चाहते तो अपनी पारी को आराम से थोड़ा और आगे बढ़ा लेते। आप पिछली उनकी 2-3 पारियाँ देखिए, 46 रन, 47 रन, और यहीं पर आकर वो अपना विकेट दे देते हैं और उसके बाद टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ जाती हैं। पिछले मैचों में तो बल्लेबाजों ने संभाल लिया, लेकिन रोहित शर्मा को मुझे लगता है कि टीम प्लानिंग के तहत यही टास्क दिया गया था कि आप एक एग्रेसिव शुरुआत, वो कुछ ना कुछ उस हद तक अपनी जो भूमिका थी उससे न्याय कर सके। विराट कोहली से खासी उम्मीदें थी, आज विराट ने 50 की, लेकिन 50 के बाद वो जिस तरीके से अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं, उसको एक बड़े स्कोर में तब्दील करते हैं। जिस तरह से विराट को आउट किया गया, यहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम की तारीफ करनी होगी, काफी सधी स्ट्रेटजी के तहत लग रहा था कि हर एक प्लेयर के लिए उनके पास एक अलग स्ट्रेटजी है। निश्चित तौर पर देखिए, हर प्लेयर के लिए वहाँ पे अपना फील्ड तक चेंज हो रही थी। आप जब देख रहे होंगे कि जब स्ट्राइक रोटेट होता था, विराट कोहली स्ट्राइक पर हैं तो एक अलग फील्ड। It was so easy, but I'm just lifted up the World Cup. So still, are you excited for the this match? And I'm not. Because we lost the match and Australia won the match. It's obviously disappointing, but yeah, on the other end, India had a well campaign and yeah, they did good the whole campaign. It takes hard. It's obviously Virat's and Rohit's last World Cup, so maybe they don't play the 2027 one, but let's just hope they play it and win it next year. So, what's the Josh? High? Still high? Always high. Always bad. Let's say we hope no Indian next year. What's the Josh? चूंकि आप यहाँ पर बीइंग अ वुमेन, कितना चैलेंजिंग आपको देखने में लगा, चूंकि भारत जो है विश्व कप हार गया, वी लॉस्ट अ मैच,
डिसअपॉइंटिंग तो डेफिनेटली था बिकॉज उम्मीदें बहुत थी. इंडिया डिड डोमिनेट द वर्ल्ड कप 2023 डेफिनेटली, एंड बहुत सारी हिस्टोरिक माइलस्टोन्स भी अचीव हुए हैं हमारे खास प्लेयर्स विराट कोहली एंड मोहम्मद शमी. दे डन रियली वेल, बट आई थिंक आज का दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम था. उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग, बैटिंग, एवरीथिंग वाज ब्रिलियंट, बट स्टिल चीयर्स फॉर इंडिया ऑलवेज. बहुत इंजॉय किया. अब भी हम इंडिया के साथ है. हारिए तो क्या है, तो इंडिया वाले ना. हिप हिप हुर्रे. माय नेम इज कृषि जैन, आई एम इन कोलकाता. इंडिया ने अपने आप परफॉर्म किया है आज फाइनल में, लगभग हार चुकी है ऑस्ट्रेलिया के साथ. तो वासु हमारे सहयोगी भोपाल से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं. वासु, जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा, छोटे फैंस भी थे, बड़े फैंस भी थे, और हर कोई निराश तो था, लेकिन क्या कहे था, शानदार प्रदर्शन रहा थ्रू आउट द सीरीज टीम इंडिया का. कि उम्मीद क्या, विश्वास ही था कहीं ना कहीं ये कि इस बार तो टीम इंडिया ये कप अपने नाम कर ही लेगी. अब बिल्कुल देखिए, भारत के शेर जिस तरीके से डोमिनेट करते आए इस पूरे वर्ल्ड कप में, टीम कोई भी सामने आई हो, ऑस्ट्रेलिया से ही जो पहला मुकाबला, इससे पहले वाला मुकाबला हमने खेला था, 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया को हम लोग धूल चटाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए थे. हमने साउथ अफ्रीका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया. कोई भी बड़ी टीम उठा के देख लीजिए आप, भारत के सामने कोई टीम नहीं टिक पाई. बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमने बनाए, लेकिन भारत के शेर फाइनल में बिल्कुल हो गए. इंडिया की वो बॉडी लैंग्वेज ही नज़र नहीं आई. 3 विकेट के बाद जब एक अच्छी पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया की बनने लगी, तो एक भी कोई ऐसा मोमेंटम नहीं देखने को मिला कि वहाँ पे एक प्लेयर्स ने दम लगाया हो, थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट देखने को मिला हो. और खास तौर पर फील्डिंग को लेकर जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रैटेजी रही, हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे पढ़ना, कि हर प्लेयर के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी, एक अलग गेम प्लान, और फील्डिंग में लगातार तब्दीली करना, लगातार प्लेयर्स के बीच कम्युनिकेट करना. भारत टीम तो उनके साथ थी, लेकिन आप वहां पे अहमदाबाद में क्राउड देखिए, स्टेडियम में 1,30,000 दर्शक संख्या, उसमें 95% या उससे भी ज्यादा आप कहें तो वो इंडियन क्राउड था, और इंडिया को इतनी जोरदार चेयर हो रहा था. आप समझ सकते हैं वहां पे कितना नॉइज होगा, कितना साउंड होगा. उस सब के बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत काम रह के खेली, और ऑस्ट्रेलिया ने ये साबित कर दिया कि वो क्यों 5-5, 6-6 बार विश्व विजेता बनते हुए आए हैं. उनका बड़े मैचेस में खेलने का एक अलग एटीट्यूड होता है, और वो एटीट्यूड आज साफ तौर पर उनकी प्लानिंग और वो ग्राउंड पर जिस तरीके से अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसमें साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ आया. और इंडियन टीम की अगर आप बात करते हैं, तो जिस तरीके का एक मूवमेंट भारत की टीम ने पकड़ा हुआ था, लेकिन फाइनल की टीम में, फाइनल मैच के दिन, एक कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा भारतीय खिलाड़ी अंडर प्रेशर नज़र आया. आप देखिए, शुभमन गिल जब बैटिंग करने आते हैं, उनका जो स्टाइल होता है, जो अक्सर वो जिस तरीके के शॉट्स खेलते हुए नज़र आते हैं, वो दिखा नहीं. उन्होंने पहली गेंद उनकी कहीं ना कहीं मिस हुई है, और लीडिंग एज उनका वहाँ पर कहीं ना कहीं लगा. श्रेयस अय्यर समझ ही नहीं पाए, गेंद को पढ़ ही नहीं पाए, 3-4 रन पर अपना विकेट खो बैठे. सूर्य कुमार यादव इस टूर्नामेंट में, उन्हें बहुत कुछ मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी मौका मिला तो बहुत प्रभावी प्रदर्शन वो वहाँ पर दिखा नहीं पाए, कर नहीं पाए. आज उनके टाइम, उनके पास एक बड़ा मौका था, बड़े हीरो बनने का, बड़े मैच में हीरो बनने का, अपनी काबिलियत को साबित करने का, ये बताने का कि क्यों उनको 360 डिग्री प्लेयर कहा जाता है, क्यों उन्हें स्काई कहा जाता है. और दर्शकों को उम्मीद भी थी कि भारत के अब शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए हैं, बड़ा स्कोर टीम इंडिया के पास नहीं है. सूर्य कुमार यादव के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वो स्कोर को बड़ा बनाए, बड़ी मैच में बड़ी पारी खेलकर दिखाएं, लेकिन हुआ वही, टॉप ऑर्डर का फेल होना, रोहित और विराट के बल्ले से बहुत ज़्यादा रन ना आना, टीम इंडिया को आखिरकार भारी पड़ गया, और सारे बल्लेबाज लाइन से निराश करते हुए चले गए. हार्दिक पांड्या की कमी आज मुझे बहुत खल रही थी अपना, चाहे वो बैटिंग साइड में आप बात कर लें या बॉलिंग साइड में आप बात कर लें, हार्दिक पांड्या टीम को और ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं. बात कह रहे हैं ना, ऐसी बहुत से दर्शकों से बात हुई है, बहुत से लोगों से बात जब मेरी हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने धोनी को बहुत मिस किया जब स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे थे यहाँ पर. और एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया, बॉडी लैंग्वेज का. सही आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें बड़े मैच का विनर कहा जाता है, क्योंकि उनका, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही, जहां पर 99% दर्शक टीम इंडिया के साथ थे, लेकिन लगातार वो जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली अपनी फील्डिंग चेंज कर रहे थे, और जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज था, वो दिखा रहा था कि वो मैच जीतने के लिए ही मैदान में उतरे हैं.
निश्चित तौर पर देखिए, और ये एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कि आप किस एटीट्यूड के साथ खेलने आ रहे हो। और आपको इंसिडेंस वो याद होगा जब टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने का निर्णय किया, तो वहाँ पे इंडिया के लिए दोनों साइड विन विन सिचुएशन हो गई, क्योंकि रोहित शर्मा ने जैसे कहा था कि हम तो चाहते हैं कि हम लोग पहले चाहता हर कोई था, लेकिन चाहत पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम की हुई। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस बातचीत के लिए, और फिलहाल यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होते चुनावी दंगल के दिग्गजों में अब चैन की सांस लेने का समय है। भाग दौड़ और आपाधापी से हटकर अब वो दिन कैसे बिता रहे हैं, इस खास पेशकश में उसी पर आज नजर रहेगी। वोटिंग के बाद मंदसौर में बीजेपी विधायक फुर्सत में नजर आए, खाली समय का इस्तेमाल करते हुए शेविंग करते हुए दिखे। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2008, 2013, 2018 में मतदान के अगले दिन शेविंग की है और इस बार भी 2023 में यही योग बन रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, नेताजी शेविंग कराते हुए, और इस बात का जिक्र उनकी तरफ से भी किया गया कि साल 2008 में भी यहीं पर आया था, साल 2013, 2018 के चुनाव के बाद भी इसी प्रकार से शेविंग कराने पहुंचा था। और संयोग की बात यह है कि साल 2023 मतदान के बाद का ये दूसरा दिन और आज भी ग्रूमिंग के लिए यहीं पहुंचा हूं। यशपाल सिंह सिसोदिया को आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद नेताजी रिलैक्स मूड में नजर आए हैं। खरगोन में कसरावत के कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला है। सचिन यादव ने जमकर बॉलिंग की, फिर बैटिंग भी की, चौके छक्के लगाए। मतदान के बाद क्रिकेट खेलने का वीडियो भी उनका काफी वायरल हो रहा है, चर्चित है। ये तस्वीरें आप देखिए, खरगोन की तस्वीरें हैं, क्रिकेट खेलते हुए नेताजी आपको नजर आएंगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट में अपने हाथ आजमाते हुए। रिलैक्स मूड का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बीते दिनों दौरे रहे, प्रचार में पहुंचे, घर घर पहुंचकर वोट मांगे, बहुत व्यस्ततम शेड्यूल, और उसके बाद अब ये कुछ राहत के पल आए हैं। 3 दिसंबर को नतीजे हैं, उससे पहले भी आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं मन में तो डर रहता ही है, लेकिन इसके बावजूद जो अब राहत की सांस मिली है उसे खुलकर जीने का मौका। पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो भी शेयर किया है। के कसरावत विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री सचिन यादव ने अपने जो गृहगांव बुरा वहाँ पे मतदान किया, पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुँचे। हमारे साथ सचिन यादव जी मौजूद है। किस क्या लग रहा है जिस प्रकार से आज मतदान किया आपने, और जैसे लोगों में उत्साह देखा जा रहा है मतदान के प्रति, क्या मानते हैं आप? देखिए, आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी मतदाता साथी लोकतंत्र के इस पावन पर्व को मनाने के लिए उत्साहित हैं, और सभी साथी अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्र में पहुँच रहे हैं और इस 18 साल की निकम्मी और नाकारा सरकार को बदलने का काम अपने मतों के माध्यम से कर रहे हैं। हम सब पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, ना सिर्फ खरगोन जिले में बल्कि संपूर्ण निमाड़ में, पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आप देश के सबसे युवा कृषि मंत्री रहे, तो क्या इस बार जैसे पिछले 2018 में कर्ज माफ़ी का मुद्दा चला था, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ़ी मुद्दा रहेगा क्या? निश्चित रूप से हमारे वचन पत्र में हमने ना सिर्फ इस नाकारा और निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हमारे जो किसान साथी थे उनका कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई थी, सरकार बनने के बाद हम हमारे किसान साथियों का कर्ज माफ़ी करने का काम करेंगे। मतलब कर्ज माफ़ी का भी मुद्दा रहेगा। माँ भी पहुँची हैं सचिन यादव जी के साथ, आप किस प्रकार का आशीर्वाद देंगे? जब आप घर से सचिन भाई वोट डालने डाल रहे थे तो आपने आशीर्वाद दिया तिलक करके, क्या कहना चाहेंगे? यही दिया मैंने आशीर्वाद कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए और मेरे बच्चे देश की सेवा करें और लोग गरीबों को साथ दें। अच्छा, पत्नी भी पहुंची है, क्या मतदान किया, क्या लग रहा है आपको? मुझे पूरा विश्वास है कि कसरावत की जनता पार्स नहीं देके इनको रिकॉर्ड मतों से जिताएगी।
तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सचिन यादव ने मतदान किया है, उनका कहना है कि इस बार भी जो है कर्ज माफी का मुद्दा सहित किसानों के मुद्दे से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस हाथ में जो माँ पहुँची है, माँ ने भी आशीर्वाद दिया और धर्मपत्नी का भी जो पूर्व मंत्री सचिन यादव, उनका भी दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन।